हरियाणा से राज्य महासचिव ऋषिकेश राजली 27 जुलाई से हिसार के सिविल हॉस्पिटल हिसार में विकलांगों की जो UDID कार्ड बन रही है और मेडिकल प्रमाण पत्र बन रहे हैं उसमें कई प्रकार की जो धांधली चल रही है उसको लेकर हम धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक प्रशासन से कोई इसके ऊपर हमारा कोई समाधान प्रशासन ने नहीं किया है। लगातार इस कड़ाके की ठंड में हम बैठने के लिए मजबूर हैं। बार बार हम हरियाणा सरकार को भी अवगत करवा चुके हैं, मुख्यमंत्री को भी, दुष्यंत चौटाला को भी, उप मुख्यमंत्री को भी, लेकिन अभी तक भी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। समाधान बता दीजिए, आपकी कौन कौन सी समस्या है मेन? एक तो UDID कार्ड बनाते समय ये पुराने मेडिकलों को कैंसिल कर रहे हैं, जो जबकि परमानेंट होने के बावजूद भी वो मान्य होना चाहिए, लेकिन ये उसको कैंसिल करके दोबारा नया बना रहे हैं और उसमें फेर बदल कर रहे हैं। और डॉक्टरों की यहाँ मनमानी ऐसी आपस में सेटिंग करके पैसे का लेन देन भी यहाँ पर चल रहा है। और सेकंड मांग कौन सी आपकी? दूसरी मांग है हमारे मेडिकल प्रमाण पत्र बनाते समय उसकी जो CSC सेंटर से जो ज्यादा फीस ली जा रही है, यहाँ पर पीने के पानी की, बैठने की व्यवस्था तक भी उस तरीके से नहीं है। तो यहाँ पर मेडिकल बनाते समय जो फैसिलिटी विकलांगों को चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तीसरी मांग आपकी? तीसरी मांग है हमारी जो BPS सिविल हॉस्पिटल में ये जो हमारे ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन होती है वो यहीं पर सरकार इसकी व्यवस्था करे, ये ताकि विकलांगों को वहां से ना करके लेके आना पड़े। और दूसरी बात जो टोकन प्रणाली है, या टोकन प्रणाली भी या रद्द की जाए, क्योंकि इसमें जो विकलांग आते हैं उनका भी उस दिन मेडिकल नहीं बनता, दो दो महीने लग जाते हैं मेडिकल बनवाने में। ठीक, थैंक यू सर।